अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज उमर एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग टीवी। तो गाइस, आपको पता है कि WWE का पहले नाम WWF था और वो WWF से WWE में कैसे चेंज हुआ, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि WWE का नाम पहले WWF इसलिए था क्योंकि हमें पहले काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिलती थी और काफ़ी ज़्यादा खून खराब भी होता था, लेकिन ऐसी बात हल्की नहीं है क्योंकि इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा कोर्ट केस है जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, हुआ यह था कि 2000 या 2001 के आसपास एक कंपनी जिसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड था, जो कि काम करती थी वाइल्ड लाइफ के लिए यानी जंगली जानवरों के लिए, उन्होंने WWE पर केस कर दिया कि तुम हमारा नाम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम WWE का नाम WWF था। तो दोनों कंपनीज कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने कुछ टाइम बाद फैसला किया कि WWE को अपना नाम चेंज करना ही होगा। उसका रीज़न ये था कि वर्ल्ड वाइड कंपनी जो है वो बहुत पहले की बनी हुई, यानी ये कंपनी 1960 में बनी थी, और जबकि WWE कंपनी का पहले नाम टाइटन स्पोर्ट्स था जो चेंज करके उसने WWF रखा था। तो इस बात से दूसरी कंपनी खुश नहीं थी, तो इसमें ये बात पक्की थी कि ये केस वर्ल्ड वाइड फंड कंपनी को जीतना ही था, लेकिन इसमें WWE को काफ़ी नुकसान हो सकता था क्योंकि पूरी वर्ल्ड में WWE उस वक्त WWF के नाम से जानी जाती थी और उसके काफ़ी प्रोडक्ट्स भी WWF के नाम से सेल हो चुके थे। तो इस पर WWE ने कोर्ट में अपील की कि उन्हें अपने नए नाम की कुछ अर्सा ब्रांडिंग करने दी जाए और अपने पुराने नाम को कुछ अर्सा तक यूज़ करने दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने WWE के हक में फैसला सुनाया। तो जब कोर्ट का फैसला आ गया था तो WWF को अपना नाम WWE में चेंज तो करना ही था, तो उन्होंने प्रेजेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया। उन्होंने वहाँ पर एक स्लोगन बनाया, गेट द एफ आउट, ताकि फैंस को ये भी पता ना लगे कि कितना बड़ा केस उनके खिलाफ चलता रहे और आस्था से नाम भी चेंज हो जाए। तो देखने में काफ़ी अच्छा लगा था ये स्लोगन और WWE ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने नाम को WWF से WWE में ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन काफ़ी लोग सोचते हैं कि पहले रेसलिंग में काफ़ी खून खराबा होता था इसलिए उसका नाम पहले WWF था और अब WWE, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो सीरियस वजह थी वो यही थी कि इनके दरमियान कोर्ट केस चला था। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड जो WWE को पसंद करते हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो ऐसी मजीद WWE के सीक्रेट्स और रूमर्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही WWE के मजीद सीक्रेट्स आपको पता चलते रहेंगे जो कि WWE रिवील नहीं करता। सो सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो।